नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस 24 सिविल सर्विसेज में। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के लिए अगर आप देखें आंसर की ऑफिशियली आ चुकी है। कट ऑफ के लिए बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं लगातार, इसीलिए इस वाले वीडियो में कट ऑफ की बात करने की कोशिश करेंगे। एक चीज और चल रही है, आपने देखा होगा कि इस समय जैसे कुछ न्यूज में आया था कि कुछ सॉल्वर गैंग पकड़े गए हैं, पेपर पहले ही लीक हो गया था। ठीक है, पेपर जबकि लाने नहीं दिया गया था तब भी पेपर एक दिन पहले कहां व्हाट्सएप पे और कहां कहां टहल रहा था। इन सब चीजों में ये तो है, यूपी ट्रिपल एससी को तो बहुत ज्यादा रिफॉर्म करने की, बहुत ड्रास्टिक रिफॉर्म की जरूरत है एक्चुअली, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी के पेपर बार बार लीक होते हैं। यूपी ट्रिपल एससी नहीं, यूपी पुलिस हो गया, चाहे यूपी पीसीएस हो गया, सारे जितने भी यूपी के एग्जाम है, इवन यूपी ही नहीं बिहार में और कई सारे स्टेट में, ये एग्जाम के प्रोसेस पे कोई बहुत बड़े ड्रास्टिक चेंजेस की जरूरत है। कम से कम एक ऐसा होना चाहिए कि एक स्टेट में सिर्फ ऐसा कमीशन बने जितने भी एग्जाम कराती है गवर्नमेंट, जितने भी गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट जो एग्जाम्स होते हैं, सारे का एक बॉडी होनी चाहिए जो ये सब चेक करे कि प्रोसेस पूरी फेयर होनी चाहिए और सिर्फ उन्हीं लोगों का, स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जो लोग पूरा सही बात ऑनेस्टी से तैयारी करके खुद सिलेक्ट होते हैं। क्योंकि अगर ये लीक होता रहेगा ना बार बार और फिर कैंसिल होता रहेगा तो इसमें सबका नुकसान ही है। ठीक है, ये बिल्कुल है कि अगर कोई ऐसा आंदोलन होता है कि जिसमें सही बात ये डिमांड रखी जाए कि पूरे एग्जाम सिस्टम को बदलने की बात कही जाए, तो मैं भी उसमें सपोर्ट करूंगा बिल्कुल। ठीक है, जितना हमारी तरफ से हो पाएगा, लेकिन हमारा जो प्रयास है ज्यादातर कि ज्यादा सब यूट्यूब में सब चीजें पढ़ा दी जाए आपको, वो हम कंटिन्यू करते रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम चैनल बंद करके पूरा आंदोलन में चले जाएं, लेकिन हमारा बिल्कुल सपोर्ट रहेगा उनको एक्टिव। दूसरी बात यह भी है कि जैसे कुछ लोगों ने सही बात अच्छे से तैयारी करके उनका सही बात एग्जाम हुआ होगा अच्छा, अब अगर एग्जाम कैंसिल हो गया तो फिर तो उनके साथ बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने तो सब ठीक किया था। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि अगर मान लीजिए इसको कैंसिल नहीं हुआ पेपर, तो फिर कुछ बेईमान लोग भी सिलेक्ट हो सकते हैं। इन सब पे सरकार को जरूर सोचना चाहिए। और ये जो बार बार चीजें हो रही हैं, इससे स्टूडेंट मतलब बहुत हताश हो जाते हैं लोग। यूथ, अगर आप यूथ को ही नहीं लेकर चल पाओगे तो फिर कैसे आगे चलोगे, फिर देश की पॉलिटी का मतलब ही क्या है। पार्टी सिस्टम और ये सब में लोगों को जॉब ही नहीं मिलेंगी तो फिर कोई मतलब नहीं है उसका। फिर भी आप एक काम करिएगा, ये वाले वीडियो का जो मुद्दा है कि कट ऑफ कितना होगा, कट ऑफ के लिए मैं ऐसे नहीं बता सकता हूं, मुझे आपके ऑफिशियल आंसर की के बाद के मार्क्स चाहिए। जितने ज्यादा ज्यादा कमेंट आएंगे उतना अच्छा कट ऑफ का प्रेडिक्शन हो सकता है। ठीक है, और जो दूसरी जो भ्रामक चीजें चल रही हैं कि पेपर कैंसिल होगा, ये सब चीजें अगर ऑफिशियली आएंगी तभी मानेंगे। ठीक है, अगर यूपी ट्रिपल एससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ ऐसा नोटिस आता है तभी आप मानिएगा, किसी भी यूट्यूब चैनल के कहने से कुछ नहीं होता है, इवन मेरे कहने से भी कुछ नहीं होगा। कट ऑफ की अनुमानित कितना होगा, एक्सपेक्टेड कितना होगा, उसके लिए मुझे एनालिसिस करनी पड़ेगी। उसके लिए आपके ऑफिशियल की आपने मिला ली होगी, सारे सेट होगी, आप लोग उसको करके और कितना फाइनल मार्क्स आपका बन रहा है वो इस वीडियो के कमेंट में लिखिए। उससे सैंपल सर्वे क्रिएट हो जाएगा, उससे कट ऑफ का अंदाजा लग सकता है। और जितने ज्यादा से ज्यादा लोग लिखेंगे उतना अच्छा कट ऑफ का एक्सपेक्टेशन आ सकता है। स्टार्टिंग में अभी कुछ नहीं बता सकता है, कोई कह रहा है 100 है, कोई 200 है, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं लोग। मैंने देखे काफी सारे वीडियो, लेकिन अब देखिए मैं ये समय जैसे मैं पीसीएस के कट ऑफ तो बता दूं क्योंकि मैं उसमें हमेशा इन्वॉल्व रहता हूँ। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो में जो है जनसंख्या थोड़ी ज्यादा है, 14 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था और 7-8 लाख लोग देने भी गए थे, तो एकदम से उसका बिना ऐसे कुछ सर्वे किए, बिना एनालिसिस किए कट ऑफ बताना कई बार हास्यास्पद लगता है कुछ लोगों का। बोल देते हैं बस कि चलो ठीक है व्यूज आ रहे हैं तो आने दो, इतना हमको नहीं है वो कुछ। ठीक है, मुझे एनालिसिस करनी पड़ेगी। अगर मेरा एक्सपेक्टेड जानना है तो आपको यहाँ पे कमेंट करना पड़ेगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा कि ज्यादा लोग इसमें करें। वो सब जो प्रोसेस है कि कैंसिल होगा कि नहीं होगा, क्या रिफॉर्म होंगे, वो तो पैरेलली चलती रहेगी, लेकिन कोई भी बात तभी माननी है जब ऑफिशियल वेबसाइट पे, यूपी ट्रिपल एससी वाली ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाए तभी आप मानिएगा कैंसिल होगा। जब तक वहां नहीं है तब तक ऐसी सब चीजें, ये सब भ्रामक हैं। YouTube में कई सारे लोग ऐसे हैं जो नए भी आ गए हैं, कुछ पुराने भी, मैं किसी का कुछ नाम नहीं लूंगा। जो लोग ये चाहते हैं कि एग्जाम सिस्टम में सुधार हो वो तो बहुत बढ़िया कदम है, उसके लिए मैं खुद भी चाहता हूँ। मैं इतने से कई बार मैंने भी ये सब चीजें क्रिटिसाइज की कि यूपी गवर्नमेंट को सुनना चाहिए इसमें। और यूपी ही नहीं, और भी कई सारे स्टेट हैं, बिहार भी है, एमपी भी है, राजस्थान भी है, हर जगह ये सब जो चीजें हो रही है ना धांधली। मेरा एक सजेशन है इसमें, अगर ये कोई सरकार तक पहुंचा पाए कि हर स्टेट में कम से कम एक ऐसा कमीशन हो कि वो जितने भी गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उनको चेक करे, बस उसका सिर्फ ये काम होगा कि ये पर्टिकुलर एग्जाम फेयर होना चाहिए, सिर्फ उसमें वही लोग आने चाहिए जो ऑनेस्ट हो, जिन्होंने सही बात पढ़ाई की हो, और कोई एक ऐसी प्रोसेस हो जिससे ये इंश्योर भी किया जा सके
ये लोग सही बात वही लोग हैं जिन्होंने पेपर दिया था और ये एग्जाम के बाद सिलेक्ट होके आए। या तो इसमें ये भी हो सकता है कि एक बार अपॉइंटमेंट के बाद भी आप उसका टेस्ट लो, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी का एग्जाम में हुआ है सिलेक्शन तो वह ऐसा तो है नहीं कि भूल जाएगा वो, जब उसका अपॉइंटमेंट हो जाए तब भी उसका टेस्ट लो कि हाँ ये उसी काबिल था कि नहीं था। कुछ तो ऐसा होना चाहिए, सरकारों को इस पे सोचना पड़ेगा बहुत ज्यादा तरीके से। यूथ अगर जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंट है, आप उसको ऐसे निराश करोगे जितनी भी सरकारें चाहे कोई भी एक्स वाई जेड किसी भी पार्टी की हो, ऐसे करोगे तो नहीं चल पाएगा। मतलब ऐसा मत करो कि यूथ एकदम से आक्रोशित होकर और एकदम सड़कों पर ही निकल आए, इससे सरकार की भी किरकिरी होगी और प्लस लोगों की पढ़ाई भी डिस्टर्ब होगी। तो ये सब चीजें ऐसे नहीं होनी चाहिए। ऑल द बेस्ट है, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा तो कट ऑफ एनालिसिस हो जाएगी। बाकी तो बोलने को बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ एक साथ ना बोला जा सकता है ना आप लोग डाइजेस्ट कर पाओगे। ऑल द बेस्ट है।